देश में 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसकी मतगणना पूरी हो चुकी है और अब ऐसे में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इन 13 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें अपने नाम की है और बची एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। अब ऐसे में राज्यों का क्या हाल है और उन सीटों पर किस प्रत्याशी ने कितने वोटों के साथ बढ़त बनाई है और किसने किसको घसीटा है इस बार वोट्स में, इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज। तो सर, सबसे पहले बताइए, ये जो उपचुनाव हुए हैं इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा ऑडियंस को देखने को मिली है? कोमल, ये चुनाव जो क्या कहते हैं 7 राज्यों में जो 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए, इस बार जो आज रिजल्ट जारी हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला और खासकर बीजेपी के लिए सेटबैक है। यह उपचुनाव जो माना जा रहा था बीजेपी के लिए लिटमस क्या कहते हैं एक तरह से उनका प्रशिक्षण माना जा रहा था, लेकिन जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। ठीक है, आज जो चुनाव है राज्यवार बात करेंगे और बेहद रोचक रिजल्ट आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे उत्तराखंड की 2 सीटों पर मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे। ठीक है, ये सीटें पहले जो दोनों सीटें थी बसपा और कांग्रेस के आभास थी, और इस बार ये दोनों सीटें जो खाते में गई है वो कांग्रेस के खाते में गई है। जो मैंगलोर की जो सीट थी वो कहते बसपा के विधायक थे उधर सरबत करीम अंसारी, जिनका निधन हो गया था, उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और अब इस सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने सीट जीत हासिल करी है। उन्होंने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया इसमें उस उपचुनाव में। वहीं जो दूसरी सीट है उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के कहते हैं लखपत सिंह बुटेला ने जीत हासिल की है। अच्छा, इससे पहले इसमें जो उपचुनाव से पहले जो क्या कहते हैं इसमें जो विधायक थे वो राजेंद्र भंडारी जो थे उपचुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने क्या है बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद से वो सीट खाली होगी और उस पर उपचुनाव हुआ। और इस बार जब बीजेपी ने क्या राजेंद्र भंडारी को ही बद्रीनाथ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और बद्रीनाथ से क्या कहते हैं राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतने में विफल रहे। तो बद्रीनाथ की जनता ने जो वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने ना क्या कहते हैं राजेंद्र भंडारी को वोट नहीं दिया इस बार और वो हार गए। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इस बार हिमाचल प्रदेश में किसने किसको कांटे की टक्कर दी है? देखिए, हिमाचल की जो था 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ठीक है, 3 में से 2 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई है और क्या कहते हैं इसमें से एक सीट है देहरा सीट जिसपे सीएम सुक्खू की जो वाइफ हैं उन्होंने चुनाव जीता है। इसके अलावा जो नालागढ़ सीट है उसमें कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने जीत हासिल की है और एकमात्र सीट हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा की जीत हुई है। पहले इन तीनों सीटों पर क्या कहते हैं कांग्रेस माफ कीजिएगा पहले इन तीनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के पास थी तीनों सीटें, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही वो तीनों ने क्या कहते हैं बीजेपी के पक्ष में आ गए थे, जिसके बाद इन तीनों सीटों पर क्या कहते हैं वोटिंग हुई और इस चुनाव में क्या कहते हैं जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी के खाते में गई है। जो जब इस हिमाचल का जब ये उपचुनाव का रिजल्ट क्या कहते हैं जारी हुआ आज, तो उसके बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि ये जो बीजेपी की जो षड्यंत्र था जो पार्टी को तोड़ फोड़ का वो इस बार उपचुनाव में चलानी और हिमाचल की जनता ने जो अपना मैंडेट है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया। ठीक है सर, इसके बाद एक पश्चिम बंगाल जो हमेशा से ही एक टारगेटेड राज्य रहा है, तो उसमें क्या किसने किसको टक्कर दी है? देखिए, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में इस बार जो है ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया है, चारों सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, देखिए आप देखेंगे कोमल कि जो रायगढ़ बगदा राणाघाट और मणिकतला सीट पर है, ये 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इन चारों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार जो है कि जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अब आपको बता दूं जो ये 4 सीटें थी इसमें से 3 सीटों पर पहले इस पर बीजेपी उम्मीदवार कहते हैं बीजेपी के विधायक थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कहते इसमें से 3 सीटें जो बता रहा हूँ मैं राणाघाट और दक्षिणी बगदा रामगंज, इन तीनों सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे,
लेकिन अभी कुछ समय पहले ही इन तीनों ने बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी ने इस बार क्या करा, इन तीन में से दो पर पुराने ही क्या कहते हैं उम्मीदवार को रिपीट करा और इस बार चारों की चारों सीटों पर क्या कहते हैं अपनी जीत हासिल करी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो सेटबैक, सबसे बड़ा जो कहते हैं झटका है, वो पश्चिम बंगाल से आया है। इसमें से क्योंकि उसके पास तीन सीटें थी, वो तीनों के तीनों सीटें उसको उस चुनाव में गंवानी पड़ी हैं। अगर आप बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में क्या हाल रहा है इस बार हाँ, उपचुनाव पंजाब में? में एक सीट पर जो जालंधर पश्चिम सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो आपके महेंद्र भगत सिंह जीतने में क्या कहते हैं जीत हासिल किया और उन्होंने 37,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। देखिए इस पे भी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था जो, और जो उनके मुकाबले में जो बीजेपी उम्मीदवार थे शीतल अंगुरल, ठीक है, वो चुनाव हार गए। शीतल अंगुरल क्या है कि इससे पहले कहते हैं जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो क्या कहते हैं बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से सीट खाली होगी और इस पे जब उपचुनाव हुआ तो ये फिर से क्या कहते हैं सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो इस बार बिहार में क्या हाल रहा? बिहार का मैं आपको बताऊं, बिहार में भी इस बार क्या कहते हैं बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इसमें आरजेडी और जेडीयू जो वहाँ के जो क्षेत्र से बड़े दल हैं उनको मतलब करारी शिकस्त मिली है, निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ से जीते हैं। ठीक है, बिहार की एक सीट जो रुपेली सीट पर उपचुनाव हुआ था उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं शंकर सिंह, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। और जो इसमें जो आरजेडी की जो बीमा भारती जिनको लोकसभा चुनाव में जो काफ़ी चर्चा में आई थी, जो जेडीयू छोड़कर चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुई थी, उन्होंने आरजेडी ने उन्हें क्या कहते हैं लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो उस चुनाव में भी तीसरे नंबर पे रही थी। और आज जो उपचुनाव के जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें भी वो आज इस बार तीसरे नंबर पे रही हैं। अगर आप बात कर ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में क्या इस बार देखने को मिल रहा है? हाँ, तमिलनाडु की एक सीट विक्रावंडी सीट पर एक उपचुनाव हुआ था जिसमें वो डीएमके का गढ़ शुरुआत से माना जा रहा था और इस बार इस सीट पर डीएमके ने ही उस पर कब्जा किया। डीएमके के अन्नपूर्ण शिवा ने उस पर जीत हासिल की है। और एक आखिरी सीट जो सबसे चर्चित रही है मध्य प्रदेश में, तो मध्य मध्य प्रदेश में क्या हाल रहा? प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर जो आज उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उस पर बीजेपी के जो कमलेश शाह हैं उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने कांग्रेस के धीरज शाह को हराया है। 2023 में सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन बाद में जब कमलेश बीजेपी में शामिल हो गए तो उस पर वोट क्या कहते हैं फिर से क्या कहते हैं उपचुनाव हुआ और हालांकि बीजेपी इस सीट को रिटेन करने में कामयाब रही और कमलेश शाह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और ये सीट जो है एक सीट है जिस पर क्या कहते हैं बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही। तो सर, जैसे उपचुनावों के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है और एनडीए को झटका लगा है, तो क्या मान सकते हैं कि एनडीए की जो पकड़ है वो देश में कमजोर होती भी जा रही है? देखिए जो आज चुनाव आए हैं इसमें दो चीज़ें एक तो बहुत गौर करने वाली है। इस चुनाव में जो पांच निर्दलीय क्या कहते हैं माफ कीजिए जो पांच दल बदलू नेता थे उनको जनता ने नकार दिया। इस उपचुनाव में पांचों क्या कहते हैं दल बदलू नेता चुनाव हार गए। दूसरी बात कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के लिए कहें ऑब्वियसली बात है कि जब जीत हासिल होती है तो हौसले बुलंद होते हैं और खास तौर पर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए यहाँ बात करनी जरूरी है, राहुल गांधी की यहाँ पे बात करनी जरूरी है। जब से लोकसभा में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जा चुका है और इस बार जो जो ये उपचुनाव हुई है इसमें 13 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उस 8 में से 5 सीटों पर उनको जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी देश में जो कांग्रेस का जो बढ़ते ग्राफ को ये दर्शाता है उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक के जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है जो राजनीतिक पंडित हैं वो जानकार हैं, ये वो मान रहे हैं कि आने वाले चुनावों में या आने वाले दिनों में इसका असर क्या कहते हैं जरूर देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि हम कह रहे हैं सबको पता है कि अभी इस साल के अंत तक देश के अंदर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और इंडिया ब्लॉक को हर चुनाव में जो उसका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो ये कयास लगाया जा रहा है, वाकई की कयास लगाया जा रहा है और बाकी ये बीजेपी के लिए टेंशन पैदा करने वाला है क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो चुनाव दर दिन कहीं ना कहीं
खिसकता जा रहा है। खैर ये तो देखने वाली बात होने वाली है कि इस बार एनडीए इंडिया गठबंधन में कितनी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टेंशन जरूर साबित होगा। ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या एनडीए इस बार चुनाव विधानसभा चुनावों में उनका जो ग्राफ है वो और नीचे जाएगा या बढ़ेगा। कांग्रेस इस बार अपने दलों के साथ मिलकर चुनाव में क्या प्रदर्शन करने वाली है ये तो विधानसभा चुनावों में खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।